तो टॉपिक का नाम ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन मोशन। तो पहला चैप्टर ग्रेविटेशन के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, ये इनको स्टडी करेगा। ये चैप्टर के अंदर हम सैटेलाइट्स को स्टडी करेंगे, प्लैनेट्स को स्टडी करेंगे। कोई रॉकेट अगर मान लो अर्थ की सरफेस से छोड़ के इंटरस्टीलर स्पेस में जाता है, इंटरस्टीलर स्पेस तारों के पास है इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो वहाँ पर क्या वेलोसिटी होगी उसकी, ऐसा कुछ कैलकुलेशन होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स और रॉकेट इनके ऊपर काम होना है। तो ये स्टार्ट कहाँ से है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ये वही चैप्टर है, न्यूटन आराम कर रहा था, सेब गिर गया, उसने कहा सेब कैसे गिरा, उसने ये फॉर्मूला बना दिया। तो क्या फॉर्मूला बनाया, उसने कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, और मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मास m1 m2 है, और ये पॉइंट मासेस हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लॉ का जो फॉर्मूला है वो पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। आपको ये क्या ये अर्थ और जुपिटर के लिए वैलिड नहीं है, बिल्कुल वैलिड है, पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, हम उसमें इंटीग्रेशन से काम करते हैं। तो ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है, कि अगर आपके पास दो पॉइंट मासेस हैं m1 m2, कोई शेप नहीं, कोई कुछ नहीं, इनके बीच में दूरी कितनी है r, तो ये दो मासेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होती, अट्रैक्टिव होती है। तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉ ये कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 / r स्क्वायर है, और एक कांस्टेंट लगेगा जी। जी का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स में जहां मर्जी लगा लो, जुपिटर, मून, अर्थ, पानी, समुंदर, जहां मर्जी लगाओ, ये जी चेंज नहीं होता। तो कैपिटल जी का फॉर्मूला 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये याद रखना है, और ये फॉर्मूला आपने याद रखना है पॉइंट मास के लिए। कल को आप कहो कि सर एक रॉड है और एक पॉइंट मास है, क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है, पर लेकिन डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा, इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा आने वाला टाइम बताएगा, पर ये फॉर्मूले में m1 m2 पॉइंट मासेज हैं। तो पहला फॉर्मूला बुकलेट ओपन करो, पहला फॉर्मूला लिखो, फोर्स का फॉर्मूला लिखो, और साथ में लिख लेना वेयर m1 m2 आर पॉइंट मासेज, और कैपिटल जी का फॉर्मूला भी साथ लिखो। पहला फॉर्मूला ग्रेविटेशन का,